only one good. Negativity in my life, just good vibes, that's what I like. So I don't need you waiting on my. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल शिट्ज़ू किस टाइप्स के होते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट लासा और लासा शिट्ज़ू मिक्स की वीडियो बनाऊंगा। आप देखिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ भी, ये देख सकते हैं। आज सिर्फ मैं शिट्ज़ू के बारे में बताऊंगा, अदरवाइज नहीं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ये देख सकते, ये है मेरा शिट्ज़ू टैडी, ये देख सकते हैं आप। और इसकी एज हो गई है 18 मंथ्स के अराउंड हो गई है, 2 ईयर्स से कम ही है फिलहाल अभी। ये देख सकते हैं आप, जो ओरिजिनल जो शिट्ज़ूज़ होते हैं उसका फेस देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर इसकी कटिंग भी करी हुई है, मैंने इसकी कटिंग भी कर दी अभी फिलहाल। और आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं इसकी हेयर क्वालिटीज़ के, और अभी भी मैंने सिर्फ ये बाल बढ़ाए हुए हैं। ये देख सकते हैं ओरिजिनल जो शिट्ज़ूज़ की जो पहचान होते हैं वो देखते हैं, पूरा उनका 100% पंच फेस रहता है ऐसे गोल। आपको पास से भी मैं दिखाता हूँ, अब ये देख सकते हैं कितना गोल फेस है इसका, पग जैसा। तो ओरिजिनल शिट्ज़ूज़ ऐसे ही होते हैं, और इसमें भी काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं शिट्ज़ूज़ में। ये मिक्सिंग करते करते इनमें भी काफ़ी चेंजेस आ गया है। शिट्ज़ूज़ का मज़ल है वो आगे लंबा होने लग गया आजकल, बहुत लोगों के पास रहता है। अब जिसको नहीं पता है शिट्ज़ू किस टाइप के होते हैं, तो वो लासा मिक्स बच्चों को भी शिट्ज़ू ही कह के आगे दे देते हैं, और बड़ी होने के बाद भी उनके बच्चे भी सेल आउट करते हैं लासा शिट्ज़ू बोल के। पर अगर आप जब भी कोशिश कीजिए मदर फादर देख के पपीज़ को बाय करें, ऐसे ना ले, ये देख सकते हैं। चलो करते हैं इस बारे में बात। और जो इसका जो स्ट्रक्चर्स है मैं आपको दिखाता हूँ, जो लेग साइज भी इनका काफ़ी छोटा होता है लासा के मुकाबले, ये देख सकते हैं आप। और इनके जो ईयर्स होते हैं ये होते हैं ब्रॉड, चौड़े कान होते हैं इनके लासा से, और हैवी कान होते हैं ईयर्स। और इनका जो ऊपर का हेड साइज है ये बड़ा होता है, और बस ज़्यादा जो फ़र्क होता है वो सिर्फ मज़ल का होता है। लासा का मज़ल लंबा होता है, शिट्ज़ू का एकदम छोटा होता है। ये देख सकते हैं मेरी एक उंगली है, ये देखिए इसकी नोज़ भी आपको सिर्फ थोड़ी सी पॉइंटेड बाहर दिखाई दे रही होगी मेरी एक उंगली के मुकाबले, ये देख सकते हैं। ये देखिए अब ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। तो ओरिजिनल शिट्ज़ू उसकी इतनी ही नोज़ पिन बाहर रहती है हल्की सी, एक उंगली की नहीं, बहुतों की तो आप देखिए 2 उंगली से ही बाहर निकली होती है। तो वो मिक्सिंग में ही चलते हैं, पर वो भी शिट्ज़ू कहते हैं इंडिया में आपको ओवर वैरायटी, बहुत वैरायटी मिलेगी चीज़ के ऊपर, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है पहचान करना भी। मैंने आपको बता दिया मेन क्या क्या होता है, एक नोज़ आप देखिए और एयर के ब्रॉड देखिए। अगर आपको एडल्ट उनका डॉग देखना है जिससे भी आप बाय कर रहे हैं पपीज, देख सकते हैं मेरे शिट्ज़ू की क्वालिटी। आपको अच्छे से दिखा दिए पूरा, मैंने हेयर कटिंग भी मैंने इसके कर दिए थे ताकि आप इसका फेस भी आप अच्छे से देख सको, एकदम गोल फेस है। ये देखिए आप पास ही, मैं आपको बैठा के दिखाता हूँ। टैडी बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ, बैठेगा नहीं अब ये लग रहा है। ये देखिए ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको सामने से, ये देखिए। तो ऐसा शेड जो होना चाहिए जब भी वो ओरिजिनल है 100%। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। तो आगे वीडियो भी बनाऊंगा मैं, लासा भी आपको दिखाऊंगा लासा किस टाइप की होती है। ये देख सकते इनका फर क्वालिटी काफ़ी हैवी होता है लासा के मुकाबले, और ये देखिए प्रॉपर मार्किंग होना चाहिए। जैसे ये अपना फेस पे जो मार्क होता है तो ये मार्किंग इनको कहते हैं, फेस की मार्किंग दोनों तरफ में, इसका ब्राउन है बीच में, वाइट है। चलो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।